कोड़ा अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है और मैं जिस प्रदेश से आती हूँ उस प्रदेश में जो खासकर मेरा कंस्टिट्यूएंसी है सिंहभूम, वहाँ कुपोषण के कई मामले हैं। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि जो कुपोषित वाले क्षेत्र हैं उसके लिए कोई विशेष पैकेज है क्या, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा, ना सिर्फ छोटे बच्चों को बल्कि अब वहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी हाइट कम हो रही है, महिलाएं जब गर्भवती होती उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जितने कार्य हो रहे हैं वो आंगनबाड़ी के थ्रू हो रहे हैं, तो क्या आंगनबाड़ी सेविका सहिकाओं का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है सरकार? सांसद शायद इस बात से अवगत है कि मानदेय बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर जब अपनी टिप्पणी की तो संरक्षण के साथ साथ इस बात को भी दोहराया कि वो एक ऑनरेरियम है। लेकिन जहां तक माननीय सांसद के अपने क्षेत्र की विषय उन्होंने यहाँ पर उल्लेखित की कि वहां पर कुपोषण से लेकर चुनौतियां हैं, मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि असम के मुख्यमंत्री श्री ने स्वयं अपने सभी विभागों के साथ कुपोषण से कैसे जूझना है। और मैं अलाउ करें सर कि मैं पूरा करूं। सोगता जी हैज दिस एब्सोल्युटली डिलाइटफुल हैबिट ऑफ गेटिंग अप एंड पोकिंग हिज नोज ऑन एवरी एस्पेक्ट व्हिच इज वेलकम। आई थिंक आप उनको बंगाली में जवाब दे दो ना सर। बांग्ला है जो तो बोलते पारी और तो बोले छी तो वो उन्हें बुझछन ना ताई जो ने बोल छी ना किसी को पता नहीं चले क्या जवाब दिया। बट माय ओनली रिक्वेस्ट सर इज दैट नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, many such chief ministers have come forward and worked with us. If there is something particularly to be done for your constituency, madam, through you sir, I would like to also highlight the honorable speaker before this session began went to his constituency, appealed to families to adopt one malnourished child or one malnourished pregnant lady, so that there is a social jan andolan that we have hoped that can be kick started through the Poshan Abhiyan, and I'm grateful that the honorable speaker himself has set that example. If you can do such a social outreach, madam, be assured that we will in the Ministry of Women and Child Development department support